नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 दिसंबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। स्वरोजगार के लिए युवाओं को टूल किट दे रही सरकार, ऐसे उठाए लाभ। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत मिलते हैं इतने अनुदान। बिजली बिल बकाया के नाम पर भी आप हो सकते हैं ठगी के शिकार। मनोज बाजपेयी को अपनी ये फिल्म लगती है सबसे कम रेटिंग वाली। जाने कब और कहां देख सकते हैं महिला प्रीमियर लीग ऑक्शन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूको बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 127 पदों पर निकली भर्ती। यूको बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 127 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह यूको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट yukobank.com पर जाकर ऑफलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड कर सभी जानकारी सही सही भरकर उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करके महाप्रबंधक यूको बैंक प्रधान कार्यालय चौथी मंजिल HRM विभाग 10 BTM सारणी कोलकाता पश्चिम बंगाल 700001 के पते पर भेज सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। मालूम हो कि यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाली गई है, जिसका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी को किसी भी विषय से डिग्री या डिप्लोमा पास होना चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी हासिल करने के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख लें। स्वरोजगार के लिए युवाओं को टूल किट दे रही सरकार, ऐसे उठाए लाभ। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए टूल किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह टूल किट सरकार की ओर से दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और ट्रांसजेंडर को उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि इसके लिए बिहार सरकार की ओर से कुछ अर्हता भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत इन प्रशिक्षित युवाओं को नियोजनालय में कम से कम एक वर्ष पूर्व का निबंधन किया होना चाहिए। इच्छुक युवक की आयु 18 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार के BSDM ITI या नेशनल स्किल्ड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए। वहीं वार्षिक आय अधिकतम 1.8 लाख रुपए हो और वह बिहार का निवासी हो। मालूम हो कि इसके लिए श्रम संसाधन विभाग के द्वारा क्षेत्रीय उपनिदेशक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय चयन समिति गठित की गई है, जो उम्र और निबंधन के आधार पर चयन करेगी। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे सोन भंडार गुफा के बारे में। राजगीर स्थित सोन भंडार गुफाएं आमतौर पर तीसरी या चौथी शताब्दी के समय की प्रतीत होती है। हमारे युग के चौथी शताब्दी के गुप्त पात्रों में गुफा के प्रवेश द्वार पर चट्टान में एक शिलालेख में वैरा देवा नाम के एक जैन मुनि द्वारा तहखाने के निर्माण का उल्लेख किया गया है। इस शिलालेख ने स्वाभाविक रूप से गुफा को चौथी शताब्दी का होने की पुष्टि की है। इस स्थान पर भगवान बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्मोपदेश दिया था। मौर्य शासक बिंबिसार ने अपने शासनकाल में राजगीर में एक बड़े पहाड़ को काटकर अपने खजाने को छुपाने के लिए गुफा बनाई थी, जिस कारण इस गुफा का नाम पड़ा था सोन भंडार। मौर्य शासक के समय बने इस गुफा के एक चट्टान पर संख लिपि में कुछ लिखा है। इसके संबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि इसी संख लिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि खजाने तक पहुंचने का यह रास्ता वैभव गिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो कि सोन भंडार गुफा के दूसरी तरफ तक पहुंचती है। सोन भंडार गुफाओं का रहस्यमय होना और इनकी अद्भुत बनावट पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है। राज्य में सूखा पड़ने की 3 माह पहले मिलेगी जानकारी। अब तक लोगों को मौसम और उसके असर के बारे में तो पहले जानकारी मिल जाती थी, लेकिन अब बहुत जल्दी बिहार के लोगों को सुखाड़ को लेकर भी पहले जानकारी मिल सकती है। दरअसल अब बिहार में मौसम की तरह ही सुखाड़ का भी पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। बता दें कि इस काम में बिहार की मदद अमेरिकी वैज्ञानिक करेंगे। मालूम हो कि अगर यह योजना समय से पूरी हो जाती है तो 3 माह पहले राज्य में सूखा पड़ेगा या नहीं, इसकी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे में इस पूर्वानुमान के अनुसार सरकार की ओर से तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। वहीं बता दें कि अगर इस काम में सफलता मिल जाती है तो देश में ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य बन जाएगा। इसको लेकर पिछले दिनों अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि इस प्रोजेक्ट पर काम की शुरुआत वर्ष 2024 यानी कि अगले साल से की जाएगी। बिहार में 162 पुलिस कर्मियों को मिला उच्चतर प्रभार।
बिहार में बिहार पुलिस के सिपाही से पुलिस अवर निरीक्षक के 162 पुलिस कर्मियों को उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभार दिया गया है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय के अनुसार पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की कोटी में 45 पदाधिकारियों को उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभार दिया गया है। इसके अलावा 41 सहायक अवर निरीक्षक को पुलिस अवर निरीक्षक की कोटी में उच्चतर कार्यकारी प्रभार दिया गया है। वहीं इसके अलावा 74 साक्षर सिपाही को सहायक अवर निरीक्षक जबकि 2 साक्षर सिपाही को सहायक अवर निरीक्षक की कोटी में उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभार दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी पुलिसकर्मी बिहार पुलिस रेडियो संचार विभाग पटना में कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत मिलते हैं इतने अनुदान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय 2 हर खेत तक सिंचाई का पानी के अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत बिहार सरकार की ओर से 80% तक आर्थिक अनुदान दिया जाता है। बता दें कि इसके पहले चरण में 30,000 किसानों को निजी नलकूप के लिए अनुदान देने का लक्ष्य तय किया गया है। ऐसे में एक किसान को एक ही बोरिंग व मोटर पंप के लिए अनुदान दिया जाएगा। मालूम हो कि योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 50% जबकि पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70% और अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को 80% अनुदान दिया जाता है। इसके साथ ही यह अनुदान कम से कम 70 मीटर तक की 4.6 इंच व्यास वाले नलकूप के लिए ही दिया जाएगा। वहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत किसानों के पास न्यूनतम 40 डिसिमल भूखंड होना अनिवार्य है और उनके प्लॉट पर पहले से कोई बोरिंग नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत मिलने वाला अनुदान का भुगतान 2 चरणों में आधार लिंक बैंक खाते में भेजा जाएगा। इससे जुड़ी अधिक जानकारी या इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान आवेदन करने के लिए mwrd.bih.nic.in पर जा सकते हैं। बिजली बिल बकाया के नाम पर भी आप हो सकते हैं ठगी के शिकार। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा IPRD बिहार के तहत एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि बिजली बिल बकाया के नाम पर भी इन दिनों साइबर ठगी के काम को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में हमें इनसे बचने के लिए सावधान रहने की जरूरत है। बता दें कि शेयर किए गए पोस्ट के अनुसार अगर आपके पास भी किसी अनजान नंबर से बिजली आपूर्ति बाधित करने की धमकी दी जा रही है या साइबर अपराधी द्वारा बिजली बिल बकाया से संबंधित SMS भेजे जा रहे हैं या SMS में मोबाइल नंबर भेजकर संपर्क करने को कहा जा रहा, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मालूम हो कि अगर आपको बिजली बिल से संबंधित कोई SMS या ईमेल प्राप्त हो तो संबंधित बिजली विभाग के ऑफिशियल नंबर या कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करें और ऐसी बातों को सत्यापन करें। वहीं साइबर ठगी से जुड़ी किसी भी शिकायत को दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या cybercrime.gov.in पर जाएं। बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तारीख। अगर आप भी उन लोगों में हैं जो बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं लेकिन अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास इसके लिए आवेदन करने के लिए आज अंतिम मौका है। बता दें कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आज यानी कि 9 दिसंबर 2023 तक ही निर्धारित की गई है। ऐसे में अभ्यर्थी केवल आज तक ही आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 12वीं उत्तीर्ण करने के साथ ही अन्य पात्रता हासिल किया होना चाहिए। बता दें कि इस परीक्षा के माध्यम से कुल 12,199 पदों को भरा जाएगा। वहीं से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख लें। DEO के ठिकानों पर निगरानी के रेड। बिहार के सिवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी विभाग की टीम के द्वारा उनके आवास पर छापेमारी की गई। बता दें कि इस छापेमारी से स्थानीय लोगों और मीडिया को दूर रखा गया है। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मिथिलेश कुमार का दिल्ली में भी संपत्ति होने का पता चला है। बता दें कि निगरानी विभाग के द्वारा मिथिलेश कुमार के देवदत्त मेंशन में फ्लैट संख्या 202 में छापेमारी की गई, जिसमें टीम को कई दस्तावेज हाथ लगे हैं। हालांकि अभी इस मामले पर निगरानी विभाग के द्वारा कुछ भी बोलने से बचा जा रहा है। हालांकि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार छापेमारी में 14,50,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अरुण कमल के बारे में। अरुण कमल आधुनिक हिंदी साहित्य में समकालीन दौर के प्रगतिशील विचारधारा संपन्न और काव्यात्मक शैली के ख्यात कवि हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त इस कवि ने कविता के अतिरिक्त आलोचना भी लिखी है, अनुवाद कार्य भी किए हैं तथा लंबे समय तक वाम विचारधारा को फैलाने वाली साहित्यिक पत्रिका आलोचना का संपादन भी किया है। अरुण कमल साठोत्तरी लेखन का अराजक दौर चूक जाने के बाद
सक्रिय प्रमुख कवियों में से एक है। कविता के अतिरिक्त अरुण कमल ने समय समय पर आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं, वक्तव्य दिए हैं एवं विभिन्न विषयों पर टिप्पणियां की हैं। वस्तुतः वे मुख्य रूप से कवि ही हैं एवं आलोचना उनके लेखन का अनिवार्य अंग नहीं है। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें 1980 में भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, 1989 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, 1990 में श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, 1996 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 में शमशेर सम्मान और 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मालूम हो कि वे प्रभात खबर रांची में हर पखवाड़े अनुस्वार नामक एक अनुवाद स्तंभ लिखते रहे हैं। उन्होंने नवभारत टाइम्स पटना के लिए जनगण मन स्तंभ में सामायिक टिप्पणियां भी लिखी तथा इंटरनेट पत्रिका लिटरेट वर्ल्ड के लिए भी स्तंभ लेखन किया। मनोज वाजपेयी को अपनी ये फिल्म लगती है सबसे कम रेटिंग वाली। बिहार के लाल और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेताओं में से एक मनोज वाजपेयी को आज किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। बता दें कि ई टाइम्स से बातचीत करते हुए मनोज वाजपेयी के द्वारा बताया गया कि उनको अपनी कौन सी फिल्म सबसे कम रेटिंग वाली लगती है। उन्होंने कहा कि गली गुलियां यह मेरी सबसे कठिन फिल्मों में से एक थी और मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। मैं इसे इस अर्थ में अंडर रेटेड कहता हूँ कि यह सिनेमा घरों में आई और प्रदर्शकों ने इसे कहीं सो नहीं देखने का फैसला किया और फिर इसे बंद कर दिया गया, जो दुखद था। मालूम हो कि जब इससे पहले यह फिल्म ODT पर रिलीज हुई तो मनोज वाजपेयी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मैं इस भूमिका की तैयारी करते समय अपनी मानसिक स्थिरता खोने के कगार पर था, इतना कि मुझे शूटिंग रोकनी पड़ी। गली गुलियां मेरी अब तक की सबसे चुनौती फिल्म और पुरस्कृत भूमिकाओं में से एक है। आखिरकार अमेजन प्राइम पर आ गई है। फिल्म ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के माध्यम से दुनिया भर में यात्रा की है और कई प्रशंसाएं जीती है। हालांकि मैं चाहता था कि फिल्म मेरे देश के दर्शकों के लिए उपलब्ध हो, लेकिन ऐसा करना एक संघर्ष रहा है और आखिरकार यह सफल हो गया। मैं आपको बता नहीं सकता कि इसे आप सभी के साथ साझा करने के लिए मैं कितना रोमांचित और उत्साहित हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको यह फिल्म भी पसंद आएगी। बिहार में प्ले स्कूल की तरह दिखने लगे आंगनबाड़ी केंद्र। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों की सूरत बदलने लगी है। बता दें कि अब पहले की तुलना में आंगनबाड़ी केंद्र और भी आकर्षक दिखने लगे हैं। मालूम हो कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए अत्याधुनिक और खूबसूरत भवन बनकर तैयार हो रहे हैं, जो बिल्कुल प्ले स्कूल की तरह नजर आते हैं। बता दें कि बिहार में अब तक ऐसे आधा दर्जन भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, वहीं 32 भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनरेगा योजना अंतर्गत विभिन्न पंचायत में आंगनबाड़ी बनाने का निर्देश विभाग की ओर से दिया गया है। इसी के तहत यह निर्माण किया जा रहा। इसके आलोक में पूर्व में निर्णय लिया गया था कि बाला तकनीक के तहत मनरेगा अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। मालूम हो कि पहले चरण के तहत 45 आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार हो गए हैं, तो वहीं दूसरे चरण के तहत 82 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण होना है। मुख्यमंत्री राहत कोष में सीएम नीतीश ने दान की बड़ी राशि, लोगों से की खास अपील। बीते दिन यानी कि शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्यवासियों, समाज के समृद्ध एवं समर्थ लोगों से एक खास अपील की गई है। उन्होंने सभी से कहा है कि वे राहत कोष में अधिक से अधिक राशि दान करें, ताकि आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों की अधिक से अधिक मदद की जाए। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुद भी 1,25,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में राज्यवासियों को दिया गया है। मालूम हो कि वर्ष 1971 में संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष की स्थापना की गई थी। फंड को एक ट्रस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसकी आय को रिटर्न उद्देश्यों के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A और 139 के तहत छूट प्राप्त है। मुख्यमंत्री CMRF के अध्यक्ष और उन्हें मानद आधार पर अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। पटना मेट्रो भूमिगत सुरंग के दूसरे चरण की खुदाई शुरू, 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित। बिहार की राजधानी पटना में बन रहे पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड टनल के दूसरे फेज की खुदाई गांधी मैदान से आकाशवाणी के बीच शुरू कर दी गई है। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा पटना मेट्रो के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि की निकासी की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही मेट्रो निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक कुल 1,012 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके साथ ही पटना बिहार म्यूजियम को पटना म्यूजियम से जोड़ने वाले करीब 1.5 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड टनल के निर्माण के लिए भी एजेंसी का चयन कर लिया गया है। ऐसे में इसके निर्माण कार्य भी जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे। बता दें कि गांधी मैदान से आकाशवाणी के बीच मेट्रो लाइन के लिए टनल बोरिंग मशीन से अंडरग्राउंड खुदाई का काम शुरू हो गया है। खुदाई के लिए अक्टूबर माह में गांधी मैदान के समीप 2 टनल बोरिंग मशीन लोवर की गई थी, जिसमें से एक के द्वारा खुदाई शुरू की गई है, तो वहीं दूसरी TBM को भी पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। इससे भी जल्द खुदाई प्रारंभ होगी।
बिहार के तापमान में आई गिरावट। मिचौंग तूफान के प्रभाव से राज्य के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के कई स्थानों पर सुबह धुंध और कोहरे का प्रभाव रहेगा। अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कमी आने की संभावना है। बता दें कि IMD बिहार के द्वारा जारी की गई पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 9 दिसम्बर को राज्य के उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। वहीं आज से राज्य के सभी हिस्सों में रात की ठंड बढ़ने के आसार है। IMD की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 12 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि विक्षोभ शक्तिशाली हुआ तो बिहार में अच्छी खासी ठंड के आसार बन जाएंगे। हालांकि अभी कोल्ड वेव की संभावना दूर दूर तक नहीं है। सीतामढ़ी में BPSC टीचर परीक्षा हुई रद्द। बिहार में इन दिनों शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा चल रही है। ऐसे में बीते दिन इस परीक्षा का दूसरा दिन था, लेकिन इस दौरान बिहार के सीतामढ़ी से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिससे अभ्यर्थी असमंजस की हालत में आ गए। दरअसल बीते दिन सीतामढ़ी में TGT 9 और 10 गणित की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। मालूम हो इसमें कुल 444 परीक्षार्थियों का परीक्षा होना था, लेकिन केंद्राधीक्षक की तरफ से अचानक सूचना दी गई कि अपरिहार्य कारणवश परीक्षा रद्द कर दी जा रही है। हालांकि इस दौरान आधिकारिक रूप से परीक्षा रद्द करने का कारण नहीं बताया गया, लेकिन मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस परीक्षा को प्रश्न पत्र नहीं आने के कारण रद्द किया गया है। वहीं जैसे ही यह खबर अभ्यर्थियों को मिली, ऐसे में हंगामे के आसार को देखते हुए परीक्षा केंद्र पर प्रशासनिक पदाधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए थे। सोनपुर मेले में 2 फीट के अजूबे घोड़े के लिए दुल्हन खोजने वालों को मिलेगा इतना इनाम। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 26 दिसंबर तक चलने वाली है। ऐसे में सोनपुर मेले में 1-2 फीट का बौना घोड़ा लोगों का मन भा रहा है। दरअसल उसकी शादी के लिए दुल्हनिया की तलाश की जा रही है। ऐसे में बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जिसके द्वारा भी इस घोड़े के लिए दुल्हनिया खोजी जाएगी, उन्हें 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मालूम हो कि घोड़े के मालिक भटन भगत को इसी साइज की एक घोड़ी की तलाश है जिसके साथ इस घोड़े की जोड़ी बन सकेगी। ETV से हुए साक्षात्कार में घोड़े के मालिक के द्वारा कहा गया कि इसके लिए अब तक कोई भी शादी के लिए दुल्हनिया नहीं मिली है। यहां 20 लाख रुपए और 5 भर सोने की चैन इसकी कीमत लगा दी है, लेकिन मैं इसे नहीं बेचूंगा। ट्रक में कपड़ों के बोरों में छिपी शराब जब्त। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के जहानाबाद के मखदूमपुर बाजार का है, जहां मखदूमपुर थाना के पुलिस के द्वारा और उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड के तरफ से आ रही एक ट्रक को रोककर उसमें पड़े कपड़ों के बड़े बड़े बोरों के अंदर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा इस दौरान एक शराब तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है और ट्रक को जब्त कर लिया गया। इस बारे में जहानाबाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पुलिस के द्वारा मखदूमपुर बाजार से एक ट्रक अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। ट्रक से 700 पेटी शराब बरामद की गई है। यह शराब झारखंड के रास्ते से पटना भेजी जा रही थी। पुलिस के द्वारा चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। बिहार में जनवरी में होगा फोकानिया की परीक्षा। बिहार स्टेट मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि बिहार में जनवरी में फोकानिया व मौलवी की परीक्षा ली जाएगी। बता दें कि वर्ष 2024 की परीक्षा को लेकर कैलेंडर जारी किया गया है, जिसके तहत दोनों ही परीक्षा का आयोजन 22 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के बीच 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। ऐसे में वो लोग जो इस बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट https://www.bsmeb.org/ पर जाकर जारी किए गए कैलेंडर को देख सकते हैं। मालूम हो कि फोकानिया व मौलवी की परीक्षा मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से बिहार बोर्ड के नियमों के अनुसार ली जाती है। बता दें कि फोकानिया को आगामी परीक्षा में सभी विषय एक समान है, इसमें कोई ऐच्छिक विषय नहीं है। वहीं मौलवी स्तर में पहली बार आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और इस्लामियत पर आधारित 4 संकाय के है। इसके साथ ही मौलवी आर्ट्स में छात्रों के लिए 5 ऐच्छिक विषय है। बिहार के इस शख्स को मिला मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मत्स्य पालकों को लेकर मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के सिवान के भगवानपुर हॉल के महम्मदपुर गांव के शिव प्रसाद सहनी को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, पूर्व न्यायाधीश पलानी स्वामी सदाशिवम और केंद्रीय प्रधानमंत्री नितिन गडकरी के द्वारा मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह इस पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद जब शिव प्रसाद सहनी अपने गाँव पहुंचे तो उनके पहुंचने पर कृषि विज्ञान केंद्र भगवानपुर के पदाधिकारी के द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं उनकी इस उपलब्धि पर कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक सह अध्यक्ष डॉक्टर अनुराधा रंजन कुमारी के द्वारा बताया गया कि यह सम्मान न सिर्फ शिव प्रसाद सहनी के लिए है, बल्कि पूरे सिवान जिला के लिए हर्ष और उल्लास का विषय है। यह पुरस्कार अन्य युवाओं को मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है।
जाने कब और कहां देख सकते हैं महिला प्रीमियर लीग ऑक्शन। आज यानी कि 9 दिसंबर को मुंबई में महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी होने वाली है, जो कि दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। ऐसे में अगर आप भी इस ऑक्शन को देखना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आप इसे स्पोर्ट्स 18 और स्पोर्ट्स 18 HD चैनलों पर लाइव देख सकते हैं। वहीं इसके अलावा आप इसे फैंस जियो सिनेमा ऐप और वेबसाइट पर भी मुफ्त लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला प्रीमियर लीग 2024 ऑक्शन के लिए 165 खिलाड़ियों के द्वारा अपना नाम दिया गया है। ऐसे में ऑक्शन में 30 स्लॉट भरे जाएंगे। इनमें से 5 टीमों के द्वारा पहले ही अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची BCCI को सौंप दी गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। भारत ने मद्रास का 13 महीनों तक चलने वाला युद्ध 1758 में आरम्भ हुआ। बेलूर मठ की 1898 में स्थापना हुई। हिज एक्सेलेंसी जॉर्ज बैरिंग वायसराय तथा भारत के गवर्नर जनरल ने 1873 में म्योर कॉलेज की आधारशिला रखी। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई। महान कवि संत सूरदास का 1484 में जन्म हुआ। सिपाही विद्रोह के एक प्रमुख नायक राव तुला राम का 1825 में जन्म हुआ। असम राज्य के प्रथम असहयोगी और असम में कांग्रेस के संस्थापकों में से एक चंद्रनाथ शर्मा का 1889 में जन्म हुआ। भारत की प्रथम महिला फोटो पत्रकार होमी व्याड़ावाला का 1913 में जन्म हुआ। भारत के जाने माने उपन्यासकार और नाटककार कुशवाहा कान का 1918 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का 1945 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी का 1946 में जन्म हुआ। हंबीरराव मोहिते की पुत्री ताराबाई का निधन 1761 में हुआ। भारतीय नौसेना के जाबाज अफसरों में एक महेंद्रनाथ मुल्ला का निधन 1971 में हुआ। कन्नड़ भाषा के विख्यात साहित्यकार के शिवराम कारंत का निधन 1997 में हुआ। प्रगतिशील काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि त्रिलोचन शास्त्री का निधन 2007 में हुआ। भारतीय तबला वादक उस्ताद हनीफ मोहम्मद खां का निधन 2009 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे स्टार चिन्ह वाला 500 रुपए के नोट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे स्टार चिन्ह वाला 500 रुपए के नोट के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्या आपके पास स्टार चिन्ह वाला 500 रुपए का नोट है, क्या आप चिंतित हैं कि यह नकली है। अब और परेशान न हो, PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ऐसे नोटों को नकली मानने वाले संदेश झूठे हैं। स्टार अंकित 500 रुपए बैंक नोट 2016 से प्रचलन में है। व्हाट्सएप में वीडियो कॉल के दौरान सुन सकेंगे म्यूजिक। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के लिए जल्दी एक कूल फीचर लॉन्च करने वाली है। यह फीचर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के दौरान यूज किया जा सकेगा। दरअसल व्हाट्सएप के जरिए ऑफिस में वीडियो कॉल से मीटिंग होती है। कई बार ये मीटिंग काफी बोरिंग हो जाती है। ऐसे में मेटा व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के दौरान म्यूजिक सुनने की इजाजत देगा। WA Beta Info की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप का ये फीचर डेवलपिंग फेज में है, जो अभी बीटा टेस्टर के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन मेटा इस फीचर को जल्द से जल्द डेवलप करने के टेस्टिंग और फीचर लॉन्च करने के मोड में है। इस फीचर की अच्छी बात है कि वीडियो कॉलिंग की वॉइस के साथ ही आपको म्यूजिक भी सुनाई देगा, मतलब कि ना आप मीटिंग मिस करेंगे और ना ही म्यूजिक मिस करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं तो उस वक्त भी म्यूजिक सुनाई देगा, यह आपको इमर्सिव और ऑडियो वीडियो एक्सपीरियंस देगा। अब यूजर्स इस फीचर को इनेबल करेंगे तो वो अन्य लोगों के साथ ऑडियो का शेयर कर पाएंगे। सेंसेक्स ने बनाया रिकॉर्ड, ये शेयर रहे ऊपर। बीते दिन यानी कि कारोबारी बाजार के आखिरी दिन सेंसेक्स और निफ्टी अपने नए सर्वकालिक स्तर पर पहुंच गया। बता दें कि बीते दिन BSE सेंसेक्स 303.91 अंक यानी 0.44% की तेजी से 69,825.60 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 68.25 अंक या 0.33% बढ़कर 20,969.40 के स्तर पर बंद हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि बीते दिन जिन 5 शेयरों में तेजी रही उनमें HCL टेक, JSW स्टील, इंफोसिस, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के नाम शामिल है। वहीं जिन 5 शेयरों में गिरावट देखी गई उसमें ITC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स और नेस्ले इंडिया के शेयर शामिल हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT-60SA का अनावरण किया है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जापान। अगला सवाल,
हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मीरा चंद, ऑप्शन बी मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी नासिरा शर्मा, ऑप्शन डी मृदुला गर्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मीरा चंद। अगला सवाल, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला शामिल है? ऑप्शन ए 2 भारतीय महिलाएं, ऑप्शन बी 4 भारतीय महिलाएं, ऑप्शन सी 6 भारतीय महिलाएं, ऑप्शन डी 10 भारतीय महिलाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 भारतीय महिलाएं। अगला सवाल, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी विक्रम शिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी ब्रजासन विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तक्षशिला विश्वविद्यालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश सिसदेव, विवेक मिश्रा, अशोक कुमार, सभ्या झा, नुनु गोलू कुमार, राजीव कुमार, विकास दास, राजकिशोर महतो, गुणर शर्मा, मंजू देवी, सदुल्लाह पलवी, रवि कुमार राम, हरीश्वर कुमार, सीमा कुमारी, तैमूर अली। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ सरकार की ओर से क्या क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।